आइए एक नए वीडियो के साथ। आज डिस्कशन कर रहे हैं इंडेक्स एंड सर्ट्स। अब इंडेक्स में और सर्ट्स में मुझे कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। आइए लिखते हैं पहले उन पॉइंट्स को कि क्या क्या मुझे बातें स्टार्टिंग में याद रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। आइए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इफ एम इज ए नेचुरल नंबर, M is a natural number। जानते हैं आप natural number क्या होता है? Natural number होते हैं जो 1 से start होते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से, ये natural number होते हैं। उसके बाद A आपके पास कोई एक real number है, A is a real number, ठीक है। अब मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है a की पावर m। तो इस a की पावर m का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि a को आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, कितने टाइम्स? m टाइम्स। a को m टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मुझे क्या दे देगा? a टू द पावर m दे देगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं जी। अब यहां पर किसे क्या क्या कहते हैं थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। ये जो ए होता है ना, इस ए को तो हम बोला करते हैं बेस, जबकि इस एम को हम पावर भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, और इसे हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये बेस और ये उसका पावर, बेस पावर आपके पास, और ए टू द पावर एम का मीनिंग आपने बताया कि ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, ए ए ए एम टाइम्स, ठीक। तो पहली बात तो मुझे ये, और ये शायद ज्यादातर आप लोगों को मालूम भी होगी। और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने a टू द पावर m को x के बराबर बोला और मुझे बोला जाए कि आप a का वैल्यू निकाल के बताइए, तो a की वैल्यू निकालने का मतलब है कि ये m वाली पावर कट जाए किसी तरीके से। तो मेरे पास a की पावर m था, ये x था, मैंने क्या किया, इसकी पावर 1/m कर ली, सो दैट कि ये इससे कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा? a बच जाएगा मेरे पास, x की पावर भी 1/m कर ली। तो जिसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x की पावर 1/m के इक्वल आ गई। तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं a की पावर m इज इक्वल टू x, तो a की वैल्यू निकालना चाहो तो उधर जाकर के ये पावर 1/m के इक्वल हो जाएगी, a टू द पावर m इज इक्वल टू x, यानी a इज इक्वल टू x टू द पावर m, ठीक है। तो जिसको हम क्या रीड, इसको अगर हम x की पावर 1/m को रीड करें तो इसको हम पढ़ते हैं mth रूट ऑफ x, दिस इज रीड एज द mth रूट, mth रूट ऑफ x, ठीक बात है। तो x की पावर 1/m का मतलब mth रूट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए x की पावर 1/3 हो तो थर्ड रूट ऑफ x, दैट इज द थर्ड रूट ऑफ x। अब आइए कुछ रूल्स को भी डिस्कशन में करता हूं आपके साथ कि ये जो आप इंडेक्स के या सर्ड्स के जो रूल्स होते हैं उनको डिस्कस करूं।
चलिए आइए पहले मैं ए और बी दो नंबर्स को कुछ सपोज कर लेता हूं। ए एंड बी आर रियल नंबर्स। मैंने ए और बी को दो रियल नंबर सपोज किया और एम और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए मैंने। एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो नीचे जो भी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा उसमें यही सेम ए और बी और एम और एन का मैं यूज करूंगा जी। आइए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, आपके पास ए टू द पावर एम एंड ए टू द पावर ही एन आ गया मेरे पास, तो ए टू द पावर एम प्लस एन लिख देते हैं जी। आप दोनों में बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो आप क्या करो वही बेस लिखो और पावर्स को केवल प्लस कर लो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसी तरीके से ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एम, तो इसको हम लिख सकते हैं बेस यहां भी सेम है, यहां इन पावर्स को माइनस कर लिया जाता है जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन टू, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन टू। आसान सी बात है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, कुछ और रूल्स को भी डिस्कशन करते हैं हम। नेक्स्ट मेरे पास आता है, चलिए पहले इनको थोड़ा एग्जांपल से समझा दूं। मान लीजिए आपके पास आ गया ए टू द पावर फोर इंटू ए टू द पावर टू, तो सीधा सीधा क्या लिख दूं ए टू द पावर सिक्स, सिंपल प्लस कर दीजिए। और यही चीज अगर ए टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय ए टू द पावर माइनस टू होता, तो डिवाइड का रूल क्या कहता है, फोर माइनस कर दो इस माइनस टू को, तो एक बार फिर ए टू द पावर सिक्स आ गया जी मेरे पास। और अगर यहां पर ये ए टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय ए टू द पावर टू होता, माइनस टू ना होकर के प्लस टू होता, तो ए टू द पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर आ जाता है। परफेक्ट, और आगे बढ़ेंगे जी। इसके बाद पावर वाला भी लॉ होता है, ए टू द पावर एम और उसका पावर फिर एन, यानी ए टू द पावर एम इंटू एन, यानी इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए ए टू द पावर फोर देन पावर टू, तो ए टू द पावर फोर इंटू टू मीन ए टू द पावर एट मेरे पास आ गया जी। सिंपल, कुछ और बातें भी डिस्कशन अभी मुझे करना है। अब मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो नंबर्स हैं, पूरे की पावर एम है, तो इसका मतलब हुआ कि ए की पावर भी एम है और बी की पावर भी एम है मेरे पास। जैसे मान लीजिए टू इंटू फाइव दोनों की पावर थ्री दे दिया गया, तो या तो उसको टेन की पावर थ्री कर दो या टू की पावर थ्री इंटू फाइव टू द पावर थ्री, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर ए अपॉन बी का पावर एम मेरे पास आ जाए, तो यहां भी ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम। परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव पावर्स को भी डिस्कशन करूं अगर मैं। मान लीजिए ए टू द पावर नेगेटिव एम है, बी टू द पावर भी नेगेटिव एम है मेरे पास, या नेगेटिव एन है, चलो बी टू द पावर नेगेटिव एन है, तो इन पावर्स को, यानी जब भी हम कैलकुलेशन इंडेक्स हर्ट्ज में हम कैलकुलेशन करते हैं,
तो नेगेटिव पावर्स नहीं लेते हैं, हम उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको 1/a^m करके लिख सकते हैं, 1/b^n करके लिख सकते हैं, या 1/a^mb^n, ठीक है, या इसी तरीके से आप इसको रहने दीजिए जी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये बेस सेम होता, मान लीजिए ये a की पावर नेगेटिव m इंटू a की पावर नेगेटिव n होता, तो हम सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं, a की पावर नेगेटिव m और माइनस n, तो a की पावर नेगेटिव m प्लस n हम लिखते हैं, और फिर उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/a^m+n करके हम लिख लेते हैं जी इसको, ठीक है जी। ऐसे ही यदि हमारे पास कई बार a/b पूरे की पावर ये नेगेटिव आ गया जी, तो इसको हम एकदम से पलट लें, b/a^m कर लें, वो पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, यानी a की पावर m अपॉन में चला गया, पॉजिटिव हो गया, b की पावर n ऊपर आ गया, पॉजिटिव हो गया वो, तो a/b की पावर नेगेटिव m का मतलब b/a^m पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी कभी एक चीज ऐसी भी होती है, भाई मान लीजिए a^x = a^y दे दिया, यानी बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं क्या x = y, यानी पावर्स को आप सेम रख सकते हैं, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप उन पावर्स को इक्वल रख लीजिए, ठीक है, पावर्स को इक्वल रख करके किसी तरह का रिलेशनशिप कई बार हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हम उस रिलेशन को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। आइए और आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं सर्ड्स और रेडिकल्स की। सर्ड्स और रेडिकल्स, ठीक है। अब सर्ड्स के केस में सबसे पहले हमने a एक रेशनल नंबर सपोज किया, लेट a बी a रेशनल नंबर, समझते हैं आप रेशनल नंबर, चलिए पहले रेशनल नंबर को बता देता हूं। रेशनल नंबर आपके पास कुछ इस तरह का, जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए √2 निकालें आप, √3 निकालें, तो ये पूरा रूट नहीं निकलेगा जी, पॉइंट की टर्म में नहीं आएगा जी, तो इसलिए हमने इन्हें इरेशनल नंबर्स बोला करते हैं। तो हमने a क्या सपोज किया, a हमने सपोज किया एक रेशनल नंबर, और n मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, n बी a पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब अगर मैं a की पावर 1/n करूं, a की पावर 1/n करूं, तो a की पावर 1/n जिसे आप a इस तरीके से यहां छोटा सा n बना करके भी आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये a की पावर 1/n is an irrational number, ये क्या बनना चाहिए, ये अगर आपके पास एक irrational number बनता है तो then हम लोग क्या कहते हैं, a की power 1/n, इसको हम बोलते हैं जी या तो third या फिर इसको बोलते हैं रेडिकल,
ठीक है, यानी a की पावर 1/n करने के बाद आपके पास इरेशनल बनना चाहिए। तो ये अगर इरेशनल नंबर आपके पास बनता है तो तब आप इसको सर्ड या रेडिकल बोला करते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब बात आई इसमें a और इस n को हम लोग क्या क्या बोला करते हैं जी। n तो इंडेक्स बोलते हैं जी, n इज कॉल्ड इंडेक्स, जो ये पावर मेरे पास है। और जो a होता है इसे हम रेडिकेंट बोलते हैं, R A D I C A N D, that is called radicand. N is index, A is radicand. और A to the power 1 by N को आप सर्ड कब बोलेंगे? अगर ये एक irrational number बनता है, अगर ये irrational number बनता है तो हम इसको सर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक बात है, ठीक बिल्कुल। अब आइए जी, अगर कोई सर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई सर्ड अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो कैसे पहचानेंगे कि दैट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? तो मैं लिखता हूं ए सर्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्ड है, कैसे पता चलेगा जी? सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स, उसका जो इंडेक्स है, जो ये फ्रैक्शनल पावर है, दैट शुड बी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स उसका होना चाहिए। और दूसरी चीज है नो फ्रैक्शन ऑन द रेडिकल साइन, नो फ्रैक्शन अंडर रेडिकल साइन, नो फ्रैक्शन अंडर रेडिकल साइन। ठीक है, ये दो चीजें या दो पहचान मेरे पास हैं जो मुझे बताती हैं कि किसी तरह का कोई सर्ड अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है जी। करेक्ट, अब आइए जी सर्ड्स के टाइप्स को भी मैं डिस्कशन करता हूं। उनमें सबसे पहले मेरे पास आता है प्योर सर्ड। प्योर सर्ड, और दूसरा सर्ड मेरे पास आता है मिक्स्ड सर्ड। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि प्योर सर्ड का मतलब है जिसमें आपके पास कोई भी सर्ड जो है वो केवल ऐसी फॉर्म में है, लेकिन अगर किसी में कुछ इस तरह का हो गया कि आपके पास रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो यहां पर ओनली रेशनल, ओनली इरेशनल, सॉरी ओनली इरेशनल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपके पास प्योर सर्ड है। यानी जैसे रूट है, रूट टू, रूट थ्री है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी टाइप है जिसके ऊपर कुछ ऐसा सर्ड वाला साइन नहीं है, ऐसा भी है और सर्ड वाला साइन भी है जी, वो आपके पास मिक्स सर्ड हो गया जी। यानी रेशनल एंड इरेशनल बोथ, ठीक है, आसानी से समझ में आ गया प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड। अब बात आती है कि दो सर्ड्स को कंपैरिजन करना है मुझे, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सर्ड्स, सॉरी दो या दो से ज्यादा सर्ड्स को मुझे कंपेयर करना है। अब कंपेयर कब होंगे जी, कैसे होंगे,
उसके लिए सबसे पहले मुझे उनका जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। सबसे पहले उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर शुड बी सेम। आइए पहले समझते हैं कैसे जी। मान लीजिए एक एग्जांपल लिखता हूं, मुझे बोला गया रूट टू एंड 5 की पावर 1/6, इन दोनों को कंपेयर कीजिए और बताइए इनमें से कौन बड़ा है। तो यहां आपने देखा कि रूट टू का मतलब तो 2 की पावर 1/2 है और ये 5 की पावर 1/6 है। तो जब तक ये इंडेक्स दोनों सेम नहीं होंगे तब तक मैं नहीं कह पाऊंगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोशिश करनी होगी कि इन दोनों इंडेक्स को या इन दोनों पावर्स को मुझे सेम कर लेना। ये तो 5 की पावर 1/6 है, क्या वो किसी तरह से 1/6 पावर हो सकती है? आपने कहा यस हो सकती है। कैसे हो सकती है जी? भाई आपके पास 1/2 है, आपने उसको 1/6 कर दिया, इसका मतलब आपने उसे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। क्या बन गया ये? ये बन गया 8 की पावर 1/6 और ये मेरे पास है 5 की पावर 1/6। अब जल्द आसानी से पता लग रहा, साफ साफ पता लग रहा है कि दोनों में से कौन बड़ा है जी। आप बोलेंगे 8 to the power 1/6 इज ग्रेटर देन 5 to the power 1/6। अब 8 की पावर 1/6 कहां से आया था? आपने बोला जी रूट टू से आया था। तो रूट टू इज ग्रेटर देन 6th root of 5, ठीक है, परफेक्ट। आइए अब कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट कि ये टॉपिक मुझे क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। सबसे पहला एग्जांपल मुझे सिंप्लीफाई करने को बोला गया। किसे? 8/125 उसका पावर 2/3 इंटू 64/27 उसका पावर भी 2/3। आपने देखा दोनों का पावर सेम दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 8/25, 64/27 दोनों की पावर 2/3 थी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा था, पावर सेम है, बेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर को सेम रख लीजिए। अब आप देख रहे हैं पावर 2/3 है, किसी तरह से आप कोशिश करें कि पावर 3 की टर्म में सबको कन्वर्ट कर ले। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 3 की पावर 3। आइए मैंने सबको पावर 3 की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया और उसका पावर 2/3 था। अब ये अपॉन वाला 3 और ये अंदर वाले 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2, 4, 5 और ये 3 और पूरे का पावर अब कितना बच गया जी? दैट इज 2, ठीक है। अब आइए अंदर क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई कर लीजिए 8/15 और उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64 और 225, बहुत आसानी के साथ इजिली हो गया जी, परफेक्ट। आइए एक और भी डिस्कशन करता हूं, एक सेकंड पार्ट और है मेरे सामने इसका, उसमें मुझे गिवन है 729 उसका पावर -5/3 और उसका भी पावर -1/2। तो सबसे पहले 729 और ये अपॉन वाला 3, सोचो कि 729 को किसकी पावर 3 कर दूं,
मुझे तो लगता है 9 की पावर 3 कर दो, उसकी पावर -5/3, उसकी पावर -1/2, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये m हो गया, ये n हो गया, पावर्स को मल्टीप्लाई। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया 9 और -3 कैंसिल हुआ, -5/2। अब सोचो 9 को किसकी पावर 2 कर दूं, आसान है, 3 की पावर 2, पूरे की पावर 5/2, ये कैंसिल, 3 की पावर 5 विच इज 243। इजी, आसान, आसानी के साथ समझा मैंने इसको। आइए एक दो प्रॉब्लम्स और डिस्कशन करेंगे। अभी एक और प्रॉब्लम मेरे सामने, बड़ा सुंदर एग्जांपल यहां क्या गिवन है मुझे, यहां एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर बी और होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी, एक्स टू द पावर सी और होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही एक्स टू द पावर सी, एक्स टू द पावर ए एंड सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करने को बोला गया, मुझे बोला गया सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां बेस सेम है, अपॉन में है, ये पावर्स माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर ए माइनस बी और उसके साथ मेरा मल्टीप्लिकेशन यहां हो रहा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी, उसके साथ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहां अगर मैं इन पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको एक फॉर्मूला याद आ जाएगा और वो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं खोलूंगा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। अब यहां क्या दिखा मुझे, बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम, सबका बेस मेरे पास एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन पावर्स को प्लस कर सकते हैं। तो पावर्स को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये क्यूब माइनस ये प्लस, ये बी क्यूब माइनस प्लस, तो एक्स की पावर जीरो बन गया और किसी की पावर जीरो का मतलब तो वन होता है जी। तो इस तरीके से मेरे पास इसका रिजल्ट वन आ गया। तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू 1, करेक्ट। और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल है मेरे सामने। इसमें मुझे बोला गया फाइंड एक्स इफ 25 रेज टू द पावर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 125 टू द पावर 2x माइनस 3। अब मुझे x का वैल्यू निकालना, मैंने आपको बताया था बेस सेम अगर हो तो पावर्स को इक्वल पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बेस इक्वल नहीं है जी। क्या हम बेस इक्वल बना सकते हैं, आप कहेंगे यस बना सकते हैं। इसे आप लिखिए 5 to the power 2, ठीक है, और उसका पावर मेरे पास x माइनस 3,
यहाँ लिखिए 5 टू द पावर 3, उसका पावर मेरे पास 2x माइनस 3, आप इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x माइनस 6, 5 टू द पावर 6x माइनस 9। अब देखा मैंने बेस सेम हो गया जी, अब बेस अगर सेम हो गया तो पावर्स को इक्वल पुट कर लीजिए, यानी 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 6x माइनस 9। इसे आसानी के साथ मेरे पास x निकल आएगा जी, तो 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 6। इस तरह से कैलकुलेशन तो जानते हैं ना, तो ये आ गया माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3 और x का वैल्यू आ गया मेरे पास 3/4। तो आसानी से निकल आया जी मेरे पास x का वैल्यू। तो इस तरीके से हम इन रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं जी। एक प्रॉब्लम अगर मैं और डिस्कशन करूं तो आइए देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम। मुझे गिवन है इफ 3 टू द पावर a इज इक्वल्स 5 टू द पावर b इज इक्वल्स टू 75 टू द पावर c, 75 टू द पावर c। फिर बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू b माइनस c इंटू 2a प्लस b, इसका वैल्यू मुझे निकाल करके दिखाना है। ठीक है, आइए देखिए थोड़ा सा सीखेंगे भी किस तरीके से आप इसको निकाल रहे हैं। दिस 3 टू द पावर a इक्वल टू 5 टू द पावर b 75 टू द पावर c मुझे इक्वल गिवन है और मैंने इसको k के इक्वल लेट कर लिया, सपोज कर लिया। इसका मतलब 3 टू द पावर a ये भी k के इक्वल, 5 टू द पावर b दिस इज ऑल्सो इक्वल टू k, 75 टू द पावर c दिस इज ऑल्सो इक्वल टू k। तो 3 टू द पावर a का वैल्यू k के इक्वल, इसका मतलब 3 का वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो k टू द पावर 1/a, बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको। ऐसे ही 5 टू द पावर b दैट इज ऑल्सो इक्वल टू k, तो इससे 5 का वैल्यू कितना आ गया k टू द पावर 1/b। अब तीसरी चीज है 75 टू द पावर c दैट इज इक्वल टू k, उससे मेरे पास 75 किसके इक्वल आ गया k टू द पावर 1/c। इज इट फाइन? तो अब मुझे जो रिजल्ट निकालना है उस रिजल्ट को माइंड में रखते हुए कि उस रिजल्ट के अंदर क्या है, मेरे पास ए बी सी तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो आइए हम इस 75 से स्टार्ट करते हैं। हमने अभी फाइंड किया 75 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/c, और ये भी मुझे दिख रहा है कि 75 को इस 5 और 3 के फैक्टर्स की टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 75 को लिखा मैंने 25 इंटू 3 और वो हो गया k टू द पावर 1/c के इक्वल। 25 को लिखिए 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/c। अब 5 किसके इक्वल है, k टू द पावर 1/b, तो 5 टू द पावर 2 किसके इक्वल हो गया k टू द पावर 2/b। अब ये 3 किसके इक्वल हो गया, 2/b इंटू 3 इज k टू द पावर 1/a इज इक्वल टू k टू द पावर 1/c, राइट। अब यहां देखो बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो k टू द पावर 2/b प्लस 1/a इज इक्वल टू k टू द पावर 1/c।
अब दोनों साइड देखिए पावर सेम हो गए, बेस सेम हो गया, पावर्स को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, तो मेरे पास आ गया 2 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 2 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए सॉरी, दिस इज 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन सी। एलसीएम लीजिए, ए बी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, यानी आपके पास आया a इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइम्स 2a प्लस बी, या कह सकते हैं इंटू बी माइनस सी टाइम्स 2a प्लस बी इज इक्वल टू किसके, जीरो के। तो मेरे से इसी का ही रिजल्ट मांगा गया था जी, मेरे से रिजल्ट मांगा गया था ए बी माइनस सी इंटू टू ए प्लस बी, और उसका रिजल्ट मैंने निकाल के देके दिया जीरो के। तो दिस जीरो इज द आंसर, करेक्ट। तो आइए देखिए क्या सीखा आज हमने, आज हमने इंडेक्स सर्ड्स पर कुछ बातें की आपके साथ, और उन इंडेक्स और सर्ड्स में हमने पहले कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन किए, और फिर उन प्रॉपर्टीज को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमने डिस्कशन किया। तो इस तरीके से इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।